CNX TV, मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। छत्तीसगढ़ में एक दिन में मिले सर्वाधिक 86 नए कोरोना मरीज। शहर के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 15 दिन के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या में उछाल आई है। पिछले एक दिन में सर्वाधिक 86 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक कुल 678 केस सामने आ चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 479 है। बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों के लिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन की सुविधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, अब बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों के लिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा। विशेष विमान से बैठकर बेंगलोर से रायपुर पहुंचे 180 श्रमिक। कोरोना के चलते जारी लॉकडाउन में दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को ही ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति ठीक हो रही है। बेंगलोर में फंसे छत्तीसगढ़ के 11 जिलों के 180 गरीब मजदूर विशेष विमान के जरिए रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर पहुंचने के बाद सभी मजदूरों को बसों से उनके गृह जिलों में ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। जिन मजदूरों को हवाई जहाज से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एयरपोर्ट में लाया गया है, उनमें से बलौदाबाजार के 17, बलरामपुर से 19, बिलासपुर के 9, जशपुर से 1, जांजगीर चांपा से 95, कोरिया से 2, कोरबा से 8, महासमुंद से 13, नारायणपुर से 7, पेंड्रा गौरेला से 7, सरगुजा से 2 समेत 180 मजदूर शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने IAS अफसर जनक पाठक को किया सस्पेंड, महिला से रेप करने का आरोप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले में पूर्व पदस्थ अधिकारी के विरुद्ध एक महिला द्वारा की गई शिकायत के मामले को काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने मुख्य सचिव RP मंडल को तत्काल संबंधित अधिकारी को निलंबित करने और पूरे प्रकरण की जांच उच्च स्तरीय दल से कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कल देर रात जांजगीर के कोतवाली थाने में महिला की शिकायत के बाद अलग अलग धाराओं के तहत रेप का मामला दर्ज किया गया था। रायगढ़ में 15 सहायक शिक्षकों पर FIR दर्ज करने के निर्देश। फर्जी प्रमाण पत्र की आड़ में कर रहे थे नौकरी। रायगढ़ जिला क्षेत्र अंतर्गत फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर पिछले कई वर्षों से नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा समाप्ति सहित उन पर FIR दर्ज करने का आदेश जिला पंचायत CEO ऋचा प्रकाश चौधरी ने जारी किया है। AICC के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया का छत्तीसगढ़ प्रवास स्थगित। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया 5 जून शुक्रवार को शाम 7 बजे दिल्ली से रायपुर पहुंचने वाले थे। वे छत्तीसगढ़ में संगठन की कसावट सहित पार्टी की गतिविधियों पर बैठक लेने वाले थे। 7 जून को समन्वय समिति की बैठक के बाद उन्हें दिल्ली वापस लौटना था, लेकिन अब उनका छत्तीसगढ़ दौरा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना के चलते उनका दौरा स्थगित हुआ है। कोरोना वायरस से जूझ रहे भारत में पिछले 24 घंटों में पहली बार 9000 से अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक अन्य 9304 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान देश में 260 लोगों की इस संक्रमण की वजह से जान चली गई है और मृतकों का आंकड़ा 6000 के पार चला गया है। कोविड-19 से देश में अब तक 6075 लोगों की मौत हो चुकी है। अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 216,919 हो गई है, तो अब एक्टिव केसों की संख्या 106,737 है। पिछले 24 घंटे में 3,804 मरीज ठीक हुए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हथनी की मौत के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केरल के मलमपुरम में गर्भवती हथनी की मौत को लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि उसके हथियारों को पकड़ने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मंत्री जावड़ेकर ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार ने केरल के मलपुरम में इस हथनी की मृत्यु पर घटना को गंभीरता से लिया है और उसने इसकी जाँच कराकर हथियारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का फैसला लिया है। विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर UK हाई कमीशन ने कहा, एक और कानूनी मुद्दा सुलझाना बाकी, हो सकती है और देरी। माल्या के प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन हाई कमीशन ने गुरुवार को कहा, अब इस दिशा में एक और कानूनी मुद्दा सुलझाना बाकी है।
हालांकि इसे गोपनीय बताते हुए इस मुद्दे की जानकारी नहीं दी गई। मशहूर फिल्मकार बासु चटर्जी का निधन। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को साल 2020 में एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब वेटरन फिल्म मेकर बासु चटर्जी के निधन की खबर आ रही है। इंडस्ट्री में बासुदा के नाम से लोकप्रिय बासु चटर्जी 90 साल के थे। बासुदा के गुजरने की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। बासु चटर्जी का हिंदी सिनेमा में लंबा योगदान है। उन्होंने कई क्लासिक और कल्ट समझी जाने वाली फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया था। इनमें रजनीगंधा, छोटी सी बात, चिच्चोर दिल्लगी, खट्टा मीठा, पसंद अपनी अपनी, चमेली की शादी जैसी फिल्में शामिल है। हथनी की मौत पर भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट कर कहा, कायरतापूर्ण कृत्य बंद हो। विराट ने अपने ट्वीट में लिखा, केरल की घटना से काफी निराश और चकित हूँ। मैं विनती करता हूँ कि जानवरों का प्यार से देखभाल करें और ऐसे कायरतापूर्ण कृत्य बंद होने चाहिए। कोहली ने हथनी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की तस्वीर कार्टून के जरिए ट्वीट पर पोस्ट की है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।